हाय गाइस, वेलकम टू सरबजीत व्लॉग्स द इनबॉर्न राइडर्स। सो आज हम अपना ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं यहीं हरिद्वार से, और बाकी अभी लोग अपने अपने बंजी बांधते हुए, और ये देखो ये मुकुल एज यूजुअल सबसे लेट ये लगा हुआ है अभी भी अपने बंजी में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में दक्षेश्वर महादेव के मंदिर, रास्ता दिखाएंगे आपको। सी यू। गुड मॉर्निंग पीपल, जय हिंद। मैं हूं सरबजीत, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमारी केदारनाथ राइड का आज डे टू है। कल रात को हम रुके थे ज्वालापुर में, जो सचिन का घर है, जहां पे सचिन जिसने हमें ज्वाइन किया यहां पे। तो हम यहां पे रुके थे, रात में खाना वाना खाया, सो गए, और फिर परंपरा को निभाते हुए हमें निकलना था सुबह 6:30 बजे, और 8 बज गए हैं। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है, हम रेडी नहीं हुए हैं। नाश्ता वैसे नीचे लग गया है, हमें जाके सिर्फ तैयारी करनी है, सामान बंजी करना है और निकलना है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आज हम यहाँ से नीलकंठ महादेव जाने वाले हैं और एक दो जगह और जाने वाले हैं। वो सचिन आएगा तो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। उसके बाद हमारा आज रात का जो स्टे है वो है श्रीनगर में, वो भी सचिन के साथ में ही है। कल की राइड बहुत लंबी हो गई थी। खैर, रास्ता अच्छा था, बीच में कुछ जो फ्लाईओवर्स हैं उनके काम चल रहे थे, तो उस वजह से ट्रैफिक लग रहा था, थोड़ा सा परेशानी हो रही थी। ओवरऑल वॉज अ गुड राइड। नहा धो के तैयार हो गए हैं, एकदम फिट, बस यहाँ से निकलेंगे। और आज हम, जिसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ ना, पहाड़ों में राइड करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला, बाय गॉड। पूरी सब्जी खाते हैं, चलो। ये है मेरा नाश्ता, पूरी, करेले का अचार, आलू की सब्जी, चाय। भाई गॉड, स्वाद आ गया देख के ही। चालू करो बेटे, चालू करो, चालू करो। गौर से देखिए इस आदमी को, इसका अभी तक सामान नहीं बन पाया है। Hey people, what's up? अपडेट सुनो, 4 घंटे लेट है हम लोग यहाँ से निकलने में, पूरे 4 घंटे। अब रात को बहुत देरी से सोएंगे तो सुबह बहुत देरी से उठेंगे, तो ये तो काम होना ही था ना। फिलहाल गाड़ियों में सामान मंजी हो गया है और हम निकल रहे हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद का आगे का प्लान ना सचिन हमें बीच बीच में बताएगा। ये एक साथ खोलता नहीं है राज, चालाक चतुर चपल आदमी है। और ये है ताऊ जी, ये हमारे होस्ट थे, हम इनके घर पे थे। ताऊ जी नमस्ते बोल दो सबको। नमस्ते जी, नमस्ते। ऐसे करो, हाय एवरीवन। हाय एवरीबॉडी। तो डे टू की राइड चालू हो गई पीपल। खेतों के बीच से सचिन के गांव से जा रहे हैं हम श्रीनगर की तरफ, तो राइड चालू हो गई है। स्टे विद द वीडियो, वीडियो के साथ बने रहना, आगे देखते रहना, इट विल बी फन गाइस, मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी। गाड़ी में पेट्रोल ना अभी भर लिया, रिफिलिंग करा लिया अच्छे से, और सचिन की गाड़ी में हवा चेक हो रही है, हवा है या नहीं है। चलो फिर अब यहाँ से निकलते हैं, आगे अपडेट करता हूँ आपको क्या कर रहे हैं, बताता हूँ। फाइनली हम अभी खड़े हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर में। अब सचिन अभी बताएगा मेरे को इसकी कहानी। सचिन अब बताना चालू कर, रिकॉर्डिंग अभी चालू करनी है। ये है दक्षेश्वर महादेव, जो शिव जी की पहली जो वाइफ थी सती माता, उनके पिताजी थे दक्ष। उनका वध करने के बाद उनको शांत करने के लिए यहाँ पे, मतलब ये उनका वध किया था, तो दक्षेश्वर महादेव मतलब दक्ष को अंत किया था।
लक्षेश्वर महादेव के दर्शन हो गए अच्छे से। तो भाई मिल गए थे मेरे को, देखो नाम बता दो यार, वीडियो में आना, इनको वीडियो में आना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। कृष्णा एंड ओमकार, आप यहीं से हो कृष्णा? जी, यहीं से। तो मैंने देख लिया है, चैनल देख लिया आपने जी, अभी सब्सक्राइब कर लेना। ओके। और वीडियो देख लेना, दोनों स्मार्ट लगोगे, ठीक है भाई। प्लान कुछ चेंज सा है थोड़ा सा, आज हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, हरिद्वार हम केदारनाथ से लौटते हुए करेंगे, और आज हम सीधा श्रीनगर जाएंगे, बीच में दो तीन स्पॉट होते हुए, और श्रीनगर में स्टे करने के बाद कल रात तक हम पहुंचेंगे केदारनाथ के लिए। तो ये हमारा आज का प्लान है, और अभी कोई अच्छी सी एक पर्वतीय रोड में चढ़ गए हैं हम, ब्यूटीफुल ब्यूटी, मतलब इतनी ग्रीनरी है, और अभी अभी गंगा जी को भी पार किया है एक ब्रिज के थ्रू। तो आज की राइड एक अच्छी सी चालू तो हो गई है, और भगवान से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि पूरी राइड को अच्छे से कंप्लीट करा दे। अब हम आ गए हैं सिद्धपीठ दक्षिणेश्वर काली मंदिर। राइट नाउ वी आर ड्राइविंग थ्रू राजाजी नेशनल पार्क। 5 मिनट हुए हैं यार, एकदम सीनिक व्यू बोलते हैं ना, एकदम फांसू वाला व्यू आ रहा है, एकदम बड़े बड़े पेड़, बहुत सारे बंदर साइड साइड में, मंकीज, और एक अच्छी सी रोड। और एक राइडर को चाहिए क्या यार, भाई व्यू इतना सही व्यू है ना इस रोड का। और अभी तो हम एक्चुअल हिली एरिया जो है उत्तराखंड के, उसमें तो हम अभी गए ही नहीं हैं, हम तो अभी हरिद्वार भी ठीक से नहीं पहुंचे हैं। और ये राजा जी नेशनल पार्क जो हम पार कर रहे हैं, समथिंग मज़ा सा आ गया यार, गाड़ी चलाते हैं, बाइक। अच्छा चलो रिवर क्रॉसिंग करेंगे। एक नंबर भाई, और मैं गीला भी नहीं हुआ। ओए गजब रे, शानदार सी जगह देख रहे हैं ना, हम एक डैम के पास रुके हैं, उस डैम के बारे में भी बताता हूँ आपको। और ये उस डैम से नहर निकल रही है, साफ सुथरा पानी। तो हम इसके पास आए हैं थोड़ा सा, सचिन भाई यहाँ का पानी पी के मजा लेते हुए। वाह सचिन वाह, भाई गंगा पानी है, लोग अमृत की तरह यूज करते थे। व्यू देखो गुरु आप, व्यू देखो, बाकी तो ठीक है। क्यों सचिन, चल बिल्कुल बाबू गार्डन जीरो रॉसी, वाह वाह एकदम, ये तो व्यू है ना।
झूला, लक्ष्मण झूला। मैं बचपन से नाम सुन रहा था, लक्ष्मण झूला देखा नहीं था। आज मेरी लक्ष्मण झूला देखने की इच्छा हो गई पूरी। और इसमें गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं, तो आपको पैदल ही चलना है। गाड़ियों के लिए ये अभी बंद कर रखा है। हाँ, थोड़े से एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हुए भी दिखे यहाँ पे नीचे, कुछ राफ्टिंग वाफ्टिंग हो रही थी, हमने देखा था। अब पता करते हैं जाके ज़रा, बंजी राफ्टिंग वाफ्टिंग का, रिवर राफ्टिंग हो रही है वहाँ पे। चलो यहाँ से तो चलते हैं। बहुत मतलब समझो आपकी टूरिस्ट ना के बराबर है, क्योंकि अब थोड़े बहुत तो निकलना चालू हुए हैं, क्योंकि अब जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि अभी कोविड की रिपोर्ट लाना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास रिपोर्ट है या नहीं है उससे अलाउ नहीं है। जस्ट आपको स्मार्ट सिटी देहरादून में अपना जो राइड है, अपनी यात्रा को रजिस्टर करा रहे और आपको आना है। कोविड की कंपल्शन अब ख़त्म हो गई है, इससे थोड़े थोड़े टूरिस्ट आने चालू हो गए हैं। अपन चलते हैं। मुकुल, क्या लग रहा है यहाँ इतनी शांति देख के? थोड़ा सा कुछ व्यूअर्स के लिए यह है कि एक उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कोरोना की वैक्सीन आएगी। हाँ, सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, टूरिस्ट आएगा लोगों के चेहरे। और ये जो राजा जी नेशनल पार्क से अभी गाड़ी चला के आए वो भाई, वो ऑसम ऑसम ऑफ रोडिंग ने लद्दाख की याद दिला दी। एक्चुअली जो ऑफ रोडिंग कराई सचिन भाई ने, इट वॉज रियली ऑसम। मेरे को लगता है कि ऑसम